हर साल सुहागन स्त्रियों द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। महिलाएं इस व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि करवा चौथ व्रत क्या है। दरअसल करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। चंद्रमा की पूजा के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा है। इस दिन भगवान गणेश और माता करवा की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुरक्षा समृद्धि के लिए पूरे दिन भूखे प्यासी रहकर ये व्रत रखती हैं। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी कुछ और ही है। असल में यह करवा नाम की ही स्त्री की कहानी है, जिसने सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसी के पति के प्रति श्रद्धा को देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चलती आ रही है। करवा चौथ का व्रत ज्यादातर देश में उत्तर और पश्चिम राज्यों में महिलाएं रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही जो पुरुष सेना में होते थे और जो युद्ध में जाते थे तो उनकी सलामती के लिए और लंबी आयु के लिए उनकी पत्नियां उनके लिए ये व्रत रखती थी। वहीं जिस वक्त यह त्यौहार मनाया जाता है उन दिनों में रबी की फसल यानी कि गेहूँ की फसल बोई जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं करवा में गेहूँ भी होकर रखती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं ताकि उनके घर में गेहूं की शानदार फसल बनी रहे। पहला व्रत किसने रखा ये समझना बहुत जरूरी है। ये सबके मन में हर साल ही यही बात सोचने को आती है कि पहला व्रत किसने रखा और क्यों रखा था। तो हम आपको बता दें कि एक कथा के अनुसार सबसे पहला व्रत करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने भोलेनाथ जी के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए करवा चौथ में महिलाएं माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही करवा चौथ का व्रत महाभारत काल की एक और कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन तभी उनके दूसरे भाइयों पर गहरा संकट आ गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस समस्या से निपटारा होगा। तब द्रौपदी अपनी समस्या को लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंची और श्री कृष्ण ने उन्हें पांडवों की रक्षा करने के लिए कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करने को कहा। श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने यह व्रत रखा और पांडवों को संकट से मुक्ति मिल गई। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को दिए जाने वाला अर्घ जमीन पर गिरता है। ऐसे में सिर्फ दूध चढ़ाने में चंद्रमा कमजोर होता है और अशुभ परिणाम दर्शाता है, इसलिए चांद को जल में शक्र दूध और अक्षताप मिलाकर उसे अर्घ देना चाहिए। आपको बता दें कि जब चंद्र पूजन होता है तो थाली सजाकर महिलाओं को सुहागनों को जाना चाहिए और इन थाली में रखे जाने वाली चीज़ जैसे कुमकुम, अक्षताप, वसरलापी कलावा, धूप, दिया, ये चीज़ें ज़रूर रखनी होती है। और इसके साथ ही छन्नी की बहुत ज़्यादा महत्वता है, जिसके द्वारा हम चांद को देखते हैं और उसके बाद पति को देखते हैं, तब जाकर पति के हाथों कुछ खाकर सुहागन का व्रत पूरा होता है। इसी तरह करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होता है। अगर आपको करवा चौथ की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।